मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड कौन सा मेमोरी कार्ड लें, 32 GB लें, 64 GB लें, 90 MB लें या फिर उससे ज्यादा लें? इतनी सारी कंफ्यूजन है गाइस, कैसे दूर होगी? इस वीडियो से दूर होगी। आज की वीडियो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कैमरा यूज करते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी कार्ड के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोग्राफी में या फिर किसी भी तरह के कैमरा वर्क में अगर आप कैमरा यूज करते हैं तो। एंड गाइस, मेमोरी कार्ड में वो सारा डाटा स्टोर होता है जो आप मेहनत करते हैं, जो आप हार्ड वर्क करते हैं, वो सारा इसी चीज़ में स्टोर होता है। तो इसको चूज़ करने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। इस वीडियो को देखें पूरी एंड तक और अच्छे से जानकारी लें मेमोरी कार्ड के बारे में, ताकि आप फ्यूचर प्रूफ और एक अच्छा मेमोरी कार्ड खरीद पाए। तो आज हम बात करेंगे जो मेमोरी कार्ड होते हैं, ये मेमोरी कार्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है इसका क्या मतलब होता है, कैसे हमें मेमोरी कार्ड खरीदना चाहिए और कौन सा मेमोरी कार्ड आपके लिए सही है। क्योंकि गाइस होता क्या, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 64 GB का मेमोरी कार्ड एक तो होता है 800 रुपीज़ का और एक होता है काफ़ी महंगा। कहने का मतलब है दोनों मेमोरी कार्ड में प्राइस का डिफरेंस काफ़ी मिलता है, तो वो क्यों मिलता है? तो इस वीडियो के जरिए जो इन्फॉर्मेशन आप लो, उसकी मदद से आप अच्छा मेमोरी कार्ड खरीद पाएंगे अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग। सो हे गाइस, मेरा नाम साहिल है और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को दबाकर, और आप भी शामिल हो जाइए मेरे यूट्यूब परिवार में। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानिए फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड हर एक बात। वॉच, लर्न, एंजॉय। तो गाइज, हर मेमोरी कार्ड में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रीड स्पीड एंड राइट स्पीड। जिसमें से रीड स्पीड का मतलब होता है कि मेमोरी कार्ड किस रफ्तार से आपका डाटा किसी लैपटॉप या फिर पीसी में ट्रांसफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये मेमोरी कार्ड देखें तो इस पर लिखा है 90 MB पर सेकेंड की रीड स्पीड, या कोई भी MB लिखी हो, कोई भी स्पीड लिखी हो, उसका मतलब ये होता है कि 90 MB पर सेकेंड की स्पीड से ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा। अगर इसकी जगह कुछ भी XYZ अमाउंट लिखी हो, मान लो 10 MB लिखा है, 20 MB लिखा है, तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो मेमोरी कार्ड 20 MB पर सेकंड की स्पीड पर, यानी कि एक सेकंड में 20 MB की रफ्तार से वो डाटा कॉपी करेगा आपके पीसी या फिर लैपटॉप में। उसे कहते हैं रीड स्पीड। उसके बाद आता है गाइस राइट स्पीड, जिसका मतलब होता है कि किस रफ्तार से आपका मेमोरी कार्ड डाटा को रीड करेगा आपके कैमरा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कैमरा में मेमोरी कार्ड जो है उसकी राइट स्पीड 10 MB पर सेकंड है, तो उसका मतलब है 10 MB पर सेकंड यानी 10 MB एक सेकंड की रफ्तार से आपके मेमोरी कार्ड में डाटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा, जो भी आपका कैमरा कैप्चर करेगा। तो गाइज, रीड एंड राइट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी मेमोरी कार्ड पर लिखी इन्फॉर्मेशन को समझने में। तो कोई भी मेमोरी कार्ड जब हम देखते हैं तो उस पर एक स्पीड लिखी होती है, जैसे इस मेमोरी कार्ड पर लिखी हुई है, और इस स्पीड का मतलब होता है रीड स्पीड, यानी कि ये मेमोरी कार्ड पर जो स्पीड लिखी है वो ये दर्शाती है कि ये मेमोरी कार्ड मैक्सिमम कितनी स्पीड पर आपका डाटा कॉपी करेगा किसी लैपटॉप या फिर पीसी में, तो इसे बोलते हैं रीड स्पीड। रीड स्पीड को गाइस हम फाइल ट्रांसफ़र स्पीड भी कह सकते हैं, और ये जितनी ज़्यादा अच्छी हो, जितनी ज़्यादा पावरफुल हो, उतना अच्छा है। मान लीजिए किसी मेमोरी कार्ड की 200 MB पर सेकेंड स्पीड है, तो वो और भी अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या गाइस कि स्पेशली अगर आप वेडिंग शूट करते हैं या फिर वीडियो शूट करते हैं, जहां आपको हैवी फाइल्स को कॉपी करना होता है, तो उन हैवी फाइल्स को जल्दी से लैपटॉप पे कॉपी करने के लिए आपको मैक्सिमम रीड स्पीड चाहिए होती है, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचता है। एंड गाइस, एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, टाइम इज़ मनी। इसलिए ये भी एक रीज़न है, जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं जिनकी रीड स्पीड ज़्यादा होती है वो एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल रीड स्पीड कार्ड्स के कंपैरिजन में। रीड स्पीड के ठीक साथ में हमें देखने को मिल जाता है SDHC या फिर SDHC का सिंबल। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है गाइस कि जितने भी मेमोरी कार्ड 32 GB से नीचे के होते हैं, जैसे 16 GB, वो सभी SDHC कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इन मेमोरी कार्ड में जो फाइल फॉर्मेट होता है वो FAT32 होता है, और इनमें एक फाइल 4 GB से ज़्यादा ऊपर की नहीं बन सकती। तो फाइल सिस्टम क्या होता है या फिर FAT32 क्या होता है, हमें उस डिटेल में बेसिकली नहीं जाना, क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करता। तो कंक्लूजन यही है, जो SDHC कार्ड होते हैं उनका मेन मतलब ये होता है कि उनका जो फाइल सिस्टम होता है वो FAT32 होता है, जिसमें एक फाइल 4 GB से ज़्यादा की नहीं बन पाती,
जिसका पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है वीडियो परफॉर्मेंस के ऊपर। मान लीजिए आप फुल HD वीडियो बना रहे हैं तो उस केस में SDHC कार्ड काफ़ी सही रहता है, क्योंकि आपकी ज़्यादा फाइलें हैवी नहीं बनती। बट अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आपकी एक वीडियो फाइल 4GB से ज़्यादा की बन जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा हैवी फाइल्स होती हैं 4K रेजोल्यूशन में, और हो सकता है आपकी वीडियो अटक अटक कर चलें अगर आप SDHC कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो। क्योंकि SDHC कार्ड थोड़े से पुराने कैमरास के लिए ज़्यादा बेटर है जो फुल HD है, बट अगर हम 4K कैमरास की बात करें तो उसमें SDHC कार्ड थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो SDHC के बाद आते हैं SDXC कार्ड, जो स्पेशली बने हैं 4GB से ज़्यादा की फाइल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो होता क्या है, बेसिकली हमें SDHC कार्ड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइल फॉर्मेट FAT32 मिलता था, बट SDXC कार्ड में हमें फाइल फॉर्मेट XFAT मिलता है, जिससे पॉसिबल हो जाता है कि हम हैवी फाइल्स जो 4GB से भी ज़्यादा की होती है उसे रिकॉर्ड कर पाए। एंड गाइस, जितने भी मेमोरी कार्ड 64GB या फिर उससे ऊपर के होते हैं, जैसे 128GB हो गया, तो इस तरह के कार्ड जो होते हैं वो सभी SDXC कार्ड कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हम हैवी फाइल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। SDXC या फिर SDHC सिंबल के बिल्कुल साथ में हमें देखने को मिलता है V30 एंड रोमन नंबर में 1। तो ये जो रोमन नंबर में 1 लिखा होता है, ये बेसिकली डिफाइन करता है कि मेमोरी कार्ड कौन सी UHS क्लास का है। UHS का मतलब होता है अल्ट्रा हाई स्पीड। तो बेसिकली गाइस, दो तरह की UHS क्लास होती है, UHS-1 एंड UHS-2। UHS-1 में बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, U1 एंड U3, जिसमें UHS-1 क्लास में अगर मेमोरी कार्ड U1 है तो उसका मतलब ये होता है कि वो मेमोरी कार्ड आपको मिनिमम 10 MB पर सेकेंड की राइटिंग स्पीड प्रोवाइड करेगा। एंड UHS-1 में अगर कार्ड के ऊपर U3 लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि वो कार्ड आपको मिनिमम 30 MB पर सेकेंड की राइटिंग स्पीड तो देगा ही। तो बेसिकली U1 और U3 का कॉन्सेप्ट यही होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये कार्ड आपको मिनिमम कितनी स्पीड देगा राइट करते वक्त, कितनी इसकी लिमिट है कम से कम स्पीड देने की, कि जिससे नीचे ये बिल्कुल नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल U3, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ ये चीज़ कि UHS-1 में अगर कार्ड U1 है तो वो मिनिमम 10 MB पर सेकेंड स्पीड देगा, और अगर आपको UHS-1 में U3 कार्ड मिलता है तो वो आपको 30 MB पर सेकेंड की मिनिमम स्पीड देगा। तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कितनी मिनिमम स्पीड हमें इस कार्ड से मिलेगी। तो जो भी डिजिट U के अंदर लिखी होती है उससे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाता है कि वो मिनिमम कितनी स्पीड देगा। फॉर एग्जांपल U3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 30 MB पर सेकेंड, U1 मल्टीप्लाई 10 मतलब कि 10 MB पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हमें स्पीड का पता चलता है U के अंदर लिखी हुई डिजिट का। एंड गाइज, यही चीज़ हमें सेम ऊपर की तरफ भी देखने को मिल जाती है, जहाँ हमें V30 का सिंबल मिलता है, उसका सेम मतलब होता है कि ये कार्ड आपको मिनिमम 30 MB पर सेकेंड की स्पीड देगा राइट करते वक्त। तो बेसिकली UHS-1 कार्ड का कंक्लूजन यही है। अगर आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके लिए UHS-1 में U1 वेरिएंट कार्ड भी काफ़ी है, और अगर आप 4K वीडियो हैवी फॉर्मेट फाइल्स बनाते हैं तो आपके लिए UHS-1 में U3 कार्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी हैवी फाइल्स तभी अच्छे से स्मूथली रन कर पाएंगी अगर उसमें राइटिंग स्पीड ज़्यादा होगी। UHS-1 के बाद आती है UHS-2 क्लास। UHS-2 कार्ड्स गाइस नॉर्मल यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं बने, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं जो बहुत ही हैवी फॉर्मेट में काम करते हैं, जो 8K में रिकॉर्ड करते हैं या फिर 4K में भी हैवी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके लिए UHS-2 क्लास वाले कार्ड बेटर रहते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी वीडियोस बनानी होती है, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जहां हैवी फाइल्स तो बनेगी ही, उसके अलावा आपको ड्यूरेशन भी ज़्यादा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो उस तरह के पर्पस के लिए UHS-2 कार्ड ज़्यादा बेटर रहते हैं। बेसिकली उनकी स्पीड हर एस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, उनकी बैक साइड पर चिप्स भी डबल लगी होती है ताकि दुगनी रफ्तार से या फिर ज़्यादा रफ्तार से वो वर्क कर पाए कैमरा में। अब चलते हैं गाइज लास्ट सिंबल की तरफ, जिसके अंदर सी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है 10 लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है क्लास 10। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी कार्ड में क्लास होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मेमोरी कार्ड मिनिमम हमें कितनी राइटिंग स्पीड देगा, तो इसी तरह से सी के अंदर जो डिजिट लिखी होती है वो भी हमें
मिनिमम राइटिंग स्पीड जो है वो डिफाइन करती है, जैसे क्लास 2 या फिर 8। आजकल जो स्टैंडर्ड कार्ड्स आते हैं उसमें मिनिमम क्लास 10 तो हमें देखने को मिलता ही है, जिसका मतलब ये होता है कि ये कार्ड मिनिमम 10 MB/s की राइटिंग स्पीड तो देगा ही देगा। अगर मान लीजिए सी के अंदर 2 लिखा होगा तो वो कार्ड आपको मिनिमम 2 MB/s की राइटिंग स्पीड तो देगा ही देगा। तो आजकल स्टैंडर्ड कार्ड हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं क्लास 10। अब गाइज आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे UHS-1 भी राइटिंग स्पीड बताता है एंड क्लास 10 भी राइटिंग स्पीड बताता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। तो गाइज मेमोरी कार्ड को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आने वाले लेटेस्ट कैमरास के साथ भी काम कर सके और जो पुराने कैमराज हैं उनके साथ भी काम कर सके। तो मेमोरी कार्ड में दोनों तरह की स्पीड दी होती है, तो जो लेटेस्ट कैमरा है वो सपोर्ट करते हैं UHS क्लास स्पीड को, तो उस तरह की सिचुएशन में जो मेमोरी कार्ड है वो UHS क्लास यानी UHS-1 की स्पीड पर काम करता है और जो पुराने DSLRs हैं वो क्लास 10 की स्पीड पर काम करते हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है, कंक्लूजन यही है कि जो मेमोरी कार्ड में दोनों स्पीड दी होती है वो इसलिए दी होती है कि आपके DSLR के अकॉर्डिंग वो दोनों में से कोई भी स्पीड यूज़ कर सकता है जो भी आपके कैमरा के साथ कंपैटिबल होगी। अगर आपका UHS क्लास कंपैटिबल DSLR है तो वो UHS स्पीड पकड़ेगा, अगर आपका क्लास 10 कंपैटिबल कैमरा है तो वो क्लास 10 वाली स्पीड को पकड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इन दोनों चीज़ों को समझना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बस आपके मेमोरी कार्ड और आपके कैमरा में जो कोऑर्डिनेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कैमरा कौन सी स्पीड को उठाता है। इन सिंबल्स के अलावा मेमोरी कार्ड के ऊपर कैपेसिटी लिखी होती है कि ये मेमोरी कार्ड में मैक्सिमम कितनी स्टोरेज है, कितना हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे 32 GB या फिर 64 GB। और उसी के ठीक नीचे हमें देखने को मिलती है एक चिट जहाँ पर हमें जगह दी होती है कुछ लिखने के लिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने मेमोरी कार्ड पर अपनी डिटेल जैसे कि फ़ोन नंबर या फिर कोई भी ऐसी डिटेल ज़रूर लिखें कि अगर आपका मेमोरी कार्ड भगवान ना करे कभी गुम होता है तो वो आप तक पहुँच जाए, आपका डाटा आपके पास आ जाए। एंड दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप हाई स्पीड शूटिंग करते हैं जिसे हम कंटिन्यूस शूटिंग मोड भी कहते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन में भी हमें हाई स्पीड कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका मेमोरी कार्ड ज़्यादा आउटडेटेड होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तो हो सकता है आप कंटिन्यूस शूटिंग में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपका कैमरा प्रॉपरली वर्क ना करें। तो एक फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेमोरी कार्ड है वो हाई स्पीड होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो गाइज मैं स्टैंडर्ड फोटोग्राफी या फिर फुल HD वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ 64 GB SanDisk Extreme 90 MB/s कार्ड, जिसकी फोटो मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है, तो ये वाला कार्ड मैं यूज़ करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको मेमोरी कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल सोचिए मत, बस कमेंट कर दीजिए, मैं आपका होस्ट और दोस्त पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करें और मुझे मोटिवेट या फिर आप सपोर्ट भी कह सकते हैं, सपोर्ट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइज आप सभी से अगली वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें।